viewers, today I am going to tell you a brief description of secondary storage device. Secondary storage device, first of all, we must know there are two types of storage, primary storage and secondary storage. Primary storage is the volatile storage, and temporary storage, that is random access memory, and non-volatile storage, that is permanent storage, is a read-only memory. तो दो तरह की primary memory होती है, random access memory और read-only memory. Random access memory जैसे ही बिजली बंद होती है, वैसे ही जैसे light off होती है, वो खत्म हो जाती है. तो वो volatile होती है. और जो memory आपकी light बंद होने पे नहीं खत्म होती, वो non-volatile होती है. सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो वर्चुअल स्टोरेज होती है. आप उसे वर्चुअल स्टोरेज भी कह सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी होती है. कितनी बड़ी हो सकती है उसकी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता. नॉन वॉलेटाइल होती है और परमानेंट होती है. सेकेंडरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे उसकी स्पीड क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी पोर्टेबिलिटी क्या है, और कॉस्ट पर स्टोरेज यूनिट क्या है. अब इसको समझते हैं कि हर डिवाइस की स्पीड डिफरेंट होती है और उसकी कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है. कैपेसिटी मींस कि कितना आप स्टोर कर सकते हैं, और ड्यूरेबिलिटी मींस कि कितने दिन वो चलेगी, और पोर्टेबिलिटी मींस कि आप इजीली सेकेंडरी डिवाइस को कहीं भी ले जा सकते हो, ले आ सकते हो. और कॉस्ट पर स्टोरेज यूनिट कितने गीगाबाइट मेगाबाइट है, कितनी प्राइस पड़ती है पर गीगाबाइट और मेगाबाइट किसी चीज़ को स्टोर करने में. तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. सबसे पुराने डिवाइसेस में पंच कार्ड, ड्रम, स्टेप और फ्लॉपी आती है जो आजकल यूज भी नहीं होती है. इवन CD भी, अब CD और DVD भी कम यूज होना शुरू हो गया है. मैग्नेटिक डिवाइस क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है. यूज रिजिड मेटालिक प्लेट्स फॉर स्टोरेज. अब उसमें ढेर सारी डिस्क लगी होती है जो चीज़ों को स्टोर करती है, और जो प्लेट्स होता है उस पर ट्रैक और सेक्टर्स और सिलेंडर्स होते हैं. ट्रैक मींस जो उस पर लाइन सर्किल में बनी होती है, और सेक्टर मींस कि वही ट्रैक डिफरेंट सेक्टर में डिवाइडेड होती है. लार्ज कैपेसिटी इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है. और दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है वो अंदर आपकी फिक्स होती है कंप्यूटर के, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है वो बाहर से लगा करके आप बैकअप के लिए रख सकते हैं. दूसरी टाइप की डिवाइस आई ऑप्टिकल डिवाइस, जो तीन तरह की है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे. कॉम्पैक्ट डिस्क CD को कहते हैं, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है जिसकी कैपेसिटी CD से बहुत अधिक होती है, और ब्लू रे जो डिस्क होती है जो जिसकी कैपेसिटी DVD से भी ज़्यादा होती है. सॉलिड स्टेट स्टोरेज थर्ड टाइप का आ गया, जिसमें है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स और USB ड्राइव. तो USB ड्राइव लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं वो यूज़ होती है स्टोरेज करने के लिए. और फ्लैश मेमोरी भी यूज़ होती है आपकी, जो परमानेंट चिप फॉर्म में कंप्यूटर में भी होती है, और जो बाहर USB हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी फ्लैश मेमोरी कहते हैं. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी इन ब्रीफ. If you want the detail of the secondary memory of each device, then I can tell you if you demand it for detailed description in comments. Please comment if you want it. Thank you, viewers.